हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, हम यहाँ पे कर रहे हैं घटना चक्र दृष्टि 2022, जिसमें आज हम करेंगे पार्ट 15 जो है संक्षिप्तियाँ। गाइस, यहाँ पे हम करंट अफेयर्स की ये बुक है जिसमें 1 जुलाई 2021 से 10 मई 2022 तक का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी यूपी पीसीएस के लिए या फिर यूपी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हम करेंगे संक्षिप्तियाँ, और ये जो है इसका जो है लास्ट पार्ट होगा यहाँ पे, मतलब इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है पार्ट 50, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे खेल परिदृश्य। चलिए पहले स्टार्ट नेक्स्ट देखते हैं। तो वैसे स्टार्ट करने से पहले आप जब मेरे चैनल पे जाएंगे तो गैस यहाँ पे जो है ना, आप जो घटना चक्र की अन्य किताबें हैं ना उसको भी देख सकते हैं। जैसे अभी तो फिलहाल मेरा यूपी स्पेशल एंड दृष्टि घटना चक्र चल रहा है। इसके अलावा जो मैंने अभी रोक रखा है फिलहाल इन दो बुक्स की वजह से, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि घटना चक्र की ही हम करवा रहे हैं, और हिंदी, जनरल हिंदी अगर आप करनी हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने पॉलिटी करवा रखी है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी जो घटना चक्र की ही है, और आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, और मॉडर्न हिस्ट्री आप देख सकते हैं, एंशंट हिस्ट्री आप देख सकते हैं, आप फिजिक्स की जितने भी, ये सारी घटना चक्र की मैंने सारी बुक जो है कंप्लीट करा रखी है इस चैप्टर 1 से लेकर एंड तक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसको देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक कर चुके हैं उसके आगे की हम बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमारा इंडेक्स है, यानी कि हम देखिए राष्ट्र परिदृश्य कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हमारा हो चुका है, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य सब कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश विशेष हमारा हो चुका है, संक्षिप्तियाँ हमारी चल रही है जो आज के पार्ट में खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमारा सिर्फ बचेगा खेल परिदृश्य। चलिए फिर गाइस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो, एंड शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो ये बुक कंप्लीट करना चाहते हैं या जो अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, उनको शेयर करिएगा मेरे चैनल को, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर। तो गैस देखिए, हम जहाँ तक कर चुके थे उससे आगे की बात करते हैं। तो अब हम करेंगे संघ एवं संगठन। तो यहाँ पे लिखा है देश का सौवा जो है आपका, एक मिनट दोस्तों, हाँ, देश का सौवा क्या है, यूनिकॉर्न की बात करते हैं। तो बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन जो है देश का सौवा यूनिकॉर्न बना है, और यहाँ पे लिखा है यूनिकॉर्न वह क्या है स्टार्टअप होता है जिसका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो ये बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहल खाता एग्रीगेट ए इकोसिस्टम पर जो लाइव होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है मई 2022। फिर यहाँ पे लिखा है CSIR और CDC का विलय। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग यानी कि DSIR के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ जो है परामर्श विकास केंद्र के कर्मचारियों, चल संपत्ति देनदारियों सहित विलय को मंजूरी। नेक्स्ट यहाँ पे हो गया यूरोपीय संघ भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की यात्रा पर आए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के बीच हुई वार्ता में इस परिषद के गठन का निर्णय लिया गया। फिर बात करेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम। तो सार्वजनिक क्षेत्र की इस बीमा कंपनी के IPO की औपचारिक घोषणा हो गई। कब हुई थी गाइस? 28 अप्रैल 2022 को हुई थी। फिर इसमें लिखा है ट्विटर का अधिग्रहण। तो अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई द्वारा सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का अधिग्रहण करने हेतु समझौता हुआ है, और फिर है अधिग्रहण सौदे की राशि लगभग कितनी है आपकी? $44 बिलियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करते हैं। तो मुकेश अंबानी की ये कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण यानी कि MCAP मार्केट कैपिटल हासिल करने वाली भारत जो है पहली भारतीय कंपनी बनी है। कितना? 19 लाख करोड़। चलिए भारतीय काजू अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुत्तूर कर्नाटका में इस संस्थान के रजत जयंती भवन का लोकार्पण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। तो यह कंपनी 40 बिलियन टन से अधिक लौह अयस्क के उत्पादन करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई, ठीक है, यानी NMDC।
अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर बैंक की, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा ये बैंक वित्त वर्ष 2020-21 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से हुआ सम्मानित। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। ठीक है, तो ये कंपनी रसायन और पेट्रो केमिकल विभाग से भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन कंपनी बनी। तो इस कंपनी को LAB के लिए BIS 12795-2020 प्रमाणन से जो है सम्मानित किया गया। फिर कोल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे, तो भारत सरकार की यह महारत्न कंपनी भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में पुरस्कृत हुई। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में G20 सचिवालय की स्थापना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा G20 सचिवालय और उसकी रिपोर्टिंग संबंधी जो संरचनाओं की स्थापना हेतु जो मंजूरी मिली है, और ये सचिवालय फरवरी 2024 तक कार्य करेगा। और भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। चलिए डाबर इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, तो इसमें आयुर्वेदिक उत्पाद निर्माता क्या ये कंपनी जो है 100% यानी 100% जो है प्लास्टिक कचरा न्यूट्रल कंपनी बन गई। यह उपलब्धि हासिल करने वाली ये जो है पहली भारतीय FMCG कंपनी है। अब बात करेंगे इन्वेस्ट इंडिया, तो इस भारतीय स्टार्टअप को सर्वसम्मति से वर्ष 2021 से 23 तक के लिए जो है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी WAIPA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर इसमें नेक्स्ट बात करेंगे इन मार्सेट होल्डिंग्स लिमिटेड, तो भारत द्वारा इस ब्रिटिश सैटेलाइट ऑपरेशन को विमानों और शिपिंग जहाज़ों हेतु हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बेचने की मंजूरी प्रदान। इस मंजूरी के साथ ही लंदन स्थित कंपनी इन मार्सेट भारत से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बेचने की मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली विदेशी ऑपरेटर बन गई। अब नेक्स्ट बात करेंगे आपका TVS मोटर्स की, तो ये कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दो पहिया निर्माता कंपनी बनी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम गाइस महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इस विश्वविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। कब? 28 अगस्त 2021 को। अब बात करेंगे विधि और न्याय की, तो इसमें लिखा है सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022। तो यहाँ लिखा है लोक सभा द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों से संबंध में किसी गतिविधियों के वित्त पोषण पर रोक लगाने से संबंधित यह विधेयक पारित होता है। 6 अप्रैल 2022 की बात है, और ये विधेयक सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध अधिनियम 2005 में संशोधन करता है। नेक्स्ट इसमें लिखा है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022, तो राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है, और यह अधिनियम संविधान अनुसूचित जनजाति यानी कि ST आदेश 1950 में संशोधन करता है। इसमें त्रिपुरा के अनुसूचित जनजातियों की सूची में जो है आपका डारलोंग समुदाय को शामिल करने का प्रावधान है। अब लिखा है संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022, तो इसमें लिखा है राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है, और यह अधिनियम जो है झारखंड में अनुसूचित जनजाति की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने का प्रावधान करता है। कौन से में कहाँ पे गई? झारखंड की बात हो रही है। ठीक है, तो शामिल किए जाने वाले समुदाय में कौन? खरवार, भोक्ता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, द्वालबंदी भी बोलते हैं इसको, और यहाँ पटबंदी है, राउत है, माझिया है, खैरी को हम यहाँ पे खैरी भी बोलते हैं, फिर है तमरिया या तमड़िया भी बोलते हैं, और यहाँ पे है पुरान। ये समुदाय यहाँ पे हो गए हैं शामिल, ये सारे ST के हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव संशोधन अधिनियम 2022, तो इसे भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, और ये तीन अधिनियमों यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949, लागत और
संकर्म लेखापाल अधिनियम 1959 और कंपनी सचिव अधिनियम 1980 में संशोधन करता है। यह अधिनियम के द्वारा मतलब इस अधिनियम के द्वारा इन तीनों अधिनियमों में अनुशासनात्मक तंत्र में जो है परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ लिखा है हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 आ गया है, तो हरियाणा विधानसभा द्वारा ये पारित हो गया। और इस विधेयक के अंतर्गत क्या है, बल अनुचित प्रभाव प्रलोभन के माध्यम से धन जो है धर्म परिवर्तन के विरुद्ध रोक जो है रोक लगाने का प्रावधान किया गया है इस विधेयक में। यदि धर्मांतरण लालच बल प्रयोग या फिर है कपटपूर्ण साधनों या फिर बलपूर्वक किया गया हो तो 1 से 5 वर्ष की कैद और कम से कम 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये हरियाणा की बात है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022, तो दिल्ली विधानसभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया है। और ये विधेयक जो है दिल्ली में एक शैक्षणिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2022, तो दिल्ली विधानसभा ने इसको भी पारित कर दिया। और इस विधेयक में क्या है कि दिल्ली के सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में मनोनीत सदस्यों की सूची में एक और सदस्य जोड़ने का प्रावधान किया गया है, जिसमें क्या है मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, अब 10 हो जाएगी। ठीक है, अगला लिखा है कर्नाटका धार्मिक स्वतंत्रता पर अधिकार संरक्षण विधेयक जो है 2021, तो कर्नाटका विधानसभा ने इसको पारित कर दिया गया है। विधेयक के अंतर्गत क्या है, धर्म परिवर्तन कराने के मामले में नियम का उल्लेख करने पर जो है 3 से 5 वर्ष तक की कैद और 25,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। और यहाँ लिखा है नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मामले में 3 से 10 वर्ष तक की कैद है और 50,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे आंध्र प्रदेश मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021, तो यहाँ इसे भी आंध्र प्रदेश विधानसभा ने इसको पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाले वाहनों का उपयोग करने से हतोत्साहित करना, उन्हें नए और कम प्रदूषण वाले जो वाहन हैं उन पर ध्यान देने हेतु प्रेरित करना। तो इस विधेयक में क्या है, प्रावधान है कि पंजीकृत की तारीख से 7 से 10 वर्ष पुराने वाहन पर जो है 4,000 रुपये प्रति वर्ष जो है हरित कर दे होगा, मतलब आपको देना होगा। और यदि वाहन जो है 10 से 12 वर्ष पुराना है तो ये राशि कितनी हो जाएगी, 5,000 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, अब बात करेंगे हम वर्ष दिवस सप्ताह की। देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बात करते हैं तो वो कब मनाए, उसकी तिथि 15 मई 2022। तो मुख्य विषय यानी कि जो इसकी थीम थी वो क्या थी, फैमिली परिवार और शहरीकरण। ठीक है, यानी कि फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। फिर यहाँ पे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, तो 8 मई 2022। इसका मुख्य विषय की बात करें तो यहाँ पे लिखा है बी अवेयर शेयर केयर वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व प्रवासी दिवस प्रवासी पक्षी दिवस, तो ये हो गई आपकी 14 मई 2022। उल्लेखनीय है कि इस यह दिवस जो है वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अब इसके थीम की अगर हम बात करेंगे 2022 वाली जो थी, अभी देखिए मई में तो चला गया ना ये वाला, देखिए अब बाद में अक्टूबर में आएगा वाला, तो 14 मई। ठीक है, तो इसकी थीम टू फोकस ऑन लाइट पोल्यूशन। अब बात करेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है 2022 का है, और इसकी थीम क्या है यहाँ पे, हैशटैग बी ह्यूमन काइंड। फिर नेक्स्ट आपका आता है विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, इसकी तिथि हो गई 3 मई 2022। तो ये दिवस जो है प्रतिमा मही माह के जो है प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, मतलब इसको डेट नहीं है गाइस, मंगलवार है, जो मई महीने में जो भी पहला मंगलवार आ जाए वो उसकी डेट हो जाएगी। और इसके मुख्य विषय की अगर हम बात करें तो क्या, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। चलिए अब नेक्स्ट इसमें लिखा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो यहाँ पे लिखा है 3 मई, तो मुख्य विषय क्या थी, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल साइट, यानी कि यहाँ पे लिखा है डिजिटल घेराबंदी में पत्रकारिता। चलिए इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे, ठीक है, तो ये हो गया आपका 28 अप्रैल 2022, और इसका विषय क्या है, पहुँच और सुरक्षा। फिर है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, तो ये हो गया आपका 26 अप्रैल 2022, इसके मुख्य विषय की बात करें तो IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो IP एंड यूथ इनोवेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं तो विश्व टीकाकरण सप्ताह की बात करेंगे, तो तिथि हो गई 24 से 30 अप्रैल 2022, और इसके विषय की लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। चलिए नेक्स्ट पे बात करेंगे तो ये हो गया आपका विश्व मलेरिया दिवस, तो ये हो गया आपका 25 अप्रैल 2022, विषय की बात करें तो मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें।
यानी कि हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्न एंड सेव लाइव। चलिए विश्व पृथ्वी दिवस की बात करते हैं, तो ये हो गया आपका 22 अप्रैल 2022। इसकी थीम की बात करें तो इन्वेस्ट अवर प्लान। फिर इसमें लिखा है विश्व हीमोफीलिया दिवस, तो ये हो गया 17 अप्रैल 2022। इसकी थीम की बात करें तो एसेस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी एंड प्रोग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो विश्व विरासत दिवस की बात करें 18 अप्रैल 2022। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसकी थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम है विरासत और जलवायु। फिर मतलब ये हो गया आपका हेरिटेज एंड क्लाइमेट। तो इसमें बात करेंगे विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, तो ये हो गया आपका 22 अप्रैल 2022। तो इसकी थीम सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। फिर यहाँ लिखा है विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च 2022। तो इस बार इस दिवस का संदेश जो है USA के प्रसिद्ध ओपेरा थिएटर ऑफ फेस्टिवल डायरेक्टर पीटर सेलर्स ने दिया। और इसमें लिखा है विश्व क्षय रोग यानी कि टीवी दिवस, तो 24 मार्च 2022। और इसका मुख्य विषय क्या है, टीवी को समाप्त करने हेतु निवेश करें जीवन बचाए, यानी कि इन्वेस्ट टू एंड टीवी एंड सेव लाइफ। अप्रैल 2021 में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एंड जम्मू कश्मीर का बडगाम जिला टीबी मुक्त घोषित हो गया। ठीक है, अब राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की बात करते हैं, तो नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में जो है मनाए जाने की घोषणा की गई। फिर है अर्थ आवर 2022 की अगर बात करें तो ये आया था हमारा, कब हुआ था, 26 मार्च 2022। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो ये हो गया आपका 23 मार्च 2022। पूर्व चेतावनी और शीघ्र कार्रवाई, इसकी थीम हो गई। अब है विश्व जल दिवस 22 मार्च 2022, और इसकी थीम की बात करें तो भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। ओके, तो यहाँ बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2022 की बात करें, इसकी मुख्य थीम की बात करें तो वन और सतत उत्पादन एवं उपभोग। ठीक है, अब यहाँ है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, तो इसकी जो तिथि है वो है 16 मार्च 2022। और फिर गैस इसकी जो मुख्य थीम यानी कि जो थीम है वो है आपकी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। फिर है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो ये हो गया 15 मार्च 2022, इसकी थीम हो गई फेयर डिजिटल फाइनेंस। फिर है विश्व किडनी दिवस 10 मार्च 2022, मार्च माह का जो दूसरा गुरुवार होता है उसको, ठीक है, इसकी थीम हो गई किडनी हेल्थ फॉर ऑल। फिर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं, वो आता है इसकी तिथि है आपकी 8 मार्च 2022। इसकी थीम की बात करें तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो इक्वालिटी से रिलेटेड होगी, तो जेंडर इक्वालिटी टूडे फॉर ऑल फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। फिर महिला जज का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मार्च 2022, थीम जस्टिस विद अ जेंडर पर्सपेक्टिव। फिर है दसवां विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च 2022, जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुनना, इसकी थीम है। फिर लिखा है विश्व वन्य जीव दिवस की बात करें तो 3 मार्च 2022, तो यहाँ पे थीम की बात करें तो रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की जो है 28 फरवरी 2022, तो इसकी थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। देन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करेंगे तो वो है 21 फरवरी 2022, मुख्य थीम की बात करेंगे बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। फिर बात करेंगे हम विश्व सामाजिक न्याय दिवस की, तो 20 फरवरी 2022 इसकी जो हो गई तिथि। और मुख्य विषय की बात करेंगे तो यानी कि थीम की बात करें तो औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। फिर है विश्व रेडियो दिवस की बात करेंगे तो 13 फरवरी 2022, मुख्य थीम की बात करेंगे रेडियो और विश्वास। ठीक है, रेडियो एंड ट्रस्ट। फिर है विज्ञान में महिलाओं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी 2022, तो इसकी थीम है इक्वल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनिट्स अस। तो यहाँ पे लिखा पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, तो 4 फरवरी 2022, थीम की बात करें तो विश्व के लिए एक मार्ग। ठीक है, अब पाथवे टू द फ्यूचर। फिर इसमें लिखा है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2022, तो वर्ष 2022 से 24 तक इस दिवस का मुख्य विषय क्या है, क्लोज द केयर गैप।
तो यह है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो 2 फरवरी 2022 थीम की बात करें तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, यानी वाटर लैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। यहाँ बात करेंगे विश्व कुष्ठ रोग दिवस, तो 30 जनवरी 2022 यह दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो 25 जनवरी 2022 ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन जो इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तिथि 24 जनवरी 2022, थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। फिर है पराक्रम दिवस, तो तिथि है 23 जनवरी 2022। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को प्रतिवर्ष इस दिवस के लिए जो है के रूप में मनाने का निर्णय लिया। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस, तिथि 12 जनवरी 2022, तो यह दिवस प्रसिद्ध समाज सुधारक दार्शनिक विचारक स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, तो 9 जनवरी 2022, यह दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर यहाँ पे लिखा है वीर बाल दिवस, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में जो है प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को इस दिवस के रूप में जो है मनाए जाने की घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर 2021, सतत पर्वतीय पर्यटन। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर 2021, तो वर्ष 2021 से 23 तक इस दिवस का मुख्य विषय क्या है, वैश्विक विमानन विकास हेतु नवाचार का उन्नयन। फिर है विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2021, थीम यानी अभियान है मृदा लवणीकरण को रोकें मृदा उत्पादकता को बढ़ाएं। फिर आप नेक्स्ट आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, तो 3 दिसंबर 2021, इसकी अगर थीम की बात करें तो लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी टूवर्ड एन इंक्लूसिव एसेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। फिर विश्व एड्स दिवस, तो 1 दिसंबर 2021, और इसकी थीम की बात है असमानताओं को खत्म करना, एड्स को समाप्त करना, महामारी को समाप्त करना, मतलब एंड इनइक्वलिटी एंड एड्स एंड पैंडमिक्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, तो 25 नवंबर 2021 ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। लिखा है शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस, तिथि 10 नवंबर 2021, थीम बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। फिर इसमें लिखा है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, तो 2 नवंबर 2021, आयुष मंत्रालय प्रत्येक वर्ष धनवंतरी जयंती धनतेरस के अवसर पर यह जो है दिवस मनाता है। थीम की बात करें तो पोषण के लिए आयुर्वेद। फिर विश्व बाल दिवस 20 नवंबर 2021, थीम की बात करें तो हर बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य। फिर विश्व शौचालय दिवस की बात करें तो 19 नवंबर 2021 विश्व शौचालय को महत्व देना। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2021 और वर्ष 2021 से 23 तक के लिए थीम एक्सेस टू डायबिटिक केयर। फिर इसमें विश्व शहद दिवस, तो ये हो गया आपका 31 अक्टूबर 2021, थीम जलवायु लचीलेपन हेतु शहरों का अनुकूलन। फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 2021, 21 अक्टूबर 2021 को यूएन डे कंसर्ट 2021 का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय क्या है, बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। विश्व शिक्षक दिवस की अगर हम बात करें तो तिथि है 5 अक्टूबर 2021, शिक्षा बहाली के केंद्र में शिक्षक। फिर है विश्व पर्यावास दिवस, तो 4 अक्टूबर 2021, अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है तब मनाया जाता है। इसके विषय की बात करें तो देखिए इसमें लिखा है कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई के में तेजी लाना। फिर विश्व समुद्री दिवस की बात करें तो 30 सितंबर 2021, तो ये सितंबर माह का जो अंतिम गुरुवार होता है उस दिन। मुख्य विषय की बात करें तो सी फेयर्स
एट अ कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। फिर लिखा है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2021, विषय समावेशी विकास के लिए पर्यटन। फिर है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तिथि है आपकी 21 सितंबर 2021, विषय इसका हो गया रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। फिर है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस की बात करें तो 18 सितंबर 2021, यह दिवस जो है प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। मुख्य विषय कीप ट्रेस इन द बिन एंड नॉट इन द ओशन, मतलब जो आपका कूड़ा है वो आप डस्टबिन में डालिए, ना कि ओशन यानी कि क्या हो गया गाइस, सागर समुद्र में नहीं डालना है। ठीक है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, तो ये हो गया आपका 10 सितंबर 2021, विषय की बात करें तो कार्यवाही के माध्यम से उम्मीद उत्पन्न करना। फिर है नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर 2021, विषय की बात करें तो इसमें लिखा है कि स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2021, विषय की बात करें तो लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। फिर है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, तो केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 14 अगस्त को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की। देन बात करेंगे राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रतिवर्ष 7 अगस्त को इस दिवस को मनाने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो 12 अगस्त 2021, विषय की बात करें तो ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई 2021, थीम की बात करें तो हेपेटाइटिस कैनॉट वेट। फिर इसमें लिखा है विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई 2021, मुख्य विषय स्टॉप मल्टीपल क्या है गई स्क्लेरोसिस। फिर इसमें लिखा है विश्व युवा कौशल दिवस, तो ये हो गया आपका 15 जुलाई 2021, मुख्य विषय की अगर हम बात करें तो गई यहाँ, तो इसमें लिखा है री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। फिर बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ठीक है, तो इसमें है 3 जुलाई 2021, तो यह दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। एक साथ बेहतर का पुनर्निर्माण इसकी थीम है। फिर 15वां जो है सांख्यिकी दिवस 29 जून 2021। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसके विषय की बात करें तो है SDG 2, यानी कि भुखमरी, मतलब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड है, भुखमरी को समाप्त करना और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और बेहतर पोषण टिकाऊ कृषि को जो है बढ़ावा देना। फिर है मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यवहार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये हो गया आपका 26 जून 2021, और इसका मुख्य विषय है नशीली दवाओं के बारे में तथ्य साझा करें और जीवन बचाएं। फिर बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, तिथि है इसकी 21 जून 2021, विषय कल्याण के लिए योग फॉर वेलबींग्स। ठीक है, अब यहाँ लिखा है विश्व शरणार्थी दिवस, तो ये इसकी तिथि है 20 जून 2021, मुख्य विषय की बात करें तो एक साथ हम स्वस्थ हों सीखें और चमक बिखेरे। देन बात करेंगे विश्व मरुस्थलीकरण और जो है सूखा रोकथाम दिवस, तो इसकी तिथि है 17 जून 2021, और मुख्य विषय की अगर बात करें रिस्टोरेशन लैंड एंड रिकवरी फिर विश्व रक्तदाता दिवस की अगर हम बात करें तो तिथि है आपकी 14 जून 2021, मुख्य विषय की अगर बात करें तो रक्तदान करें और विश्व की धड़कनों को जीवित रखें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं गाइस, देखिए लिखा अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंजकहीनता जागरूकता दिवस, तिथि है आपकी 13 जून 2021, मुख्य विषय सभी बाधाओं से परे शक्ति। फिर बात करेंगे विश्व महासागर दिवस की 8 जून 2021, मुख्य विषय महासागर जीवन और आजीविका। देन बात करेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, तो तिथि हो गई आपकी 7 जून 2021, मुख्य विषय खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। फिर विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे 5 जून 2021, मुख्य विषय री इमेजिंग रिक्रिएट रीस्टोर, तो मेजबान देश हो गया आपका पाकिस्तान। फिर है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2021, विषय है हम समाधान का भाग हैं। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे लिखा है अन्य प्रमुख वर्ष और दिवस की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं, उसको भी देख लें। तो इसमें लिखा है मोटे अनाज वाली फसलों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2022। फिर देखिए गाइस ये तो वर्ष आ गया ना 2022, वैसे डेट क्या हो गई 20 मई, राइट। फिर इसमें राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई 2022, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई 2022, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 10 मई 2022, फिर मिड वाइफ के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मई 2022, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई 2022, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल 2022, अंतर्राष्ट्रीय चेर्नोबिल आपदा स्मृति दिवस 26 अप्रैल 2022, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल 2022, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2022, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल 2022। वर्ष 2022 में विश्व पुस्तक राजधानी शहर क्या है? ग्वाडलजारा मेक्सिको। यह विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल 2022, विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस 21 अप्रैल 2022, फिर है सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल 2022, विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल 2022, फिर विश्व अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल 2022, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल 2022, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च 2022, विश्व कविता दिवस जो है 21 मार्च 2022, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च 2022, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च 2022, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च 2022, सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी 2022, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी 2022, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2022, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2022, स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह 10 से 16 जनवरी 2022, फिर है विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2022, राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2022, फिर है किसान दिवस 23 दिसंबर 2022, पाँचवा सिद्ध दिवस 2021 चल रहा है, और फिर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर 2021, फिर है भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर 2021, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर 2021 को मनाया गया। देन यहाँ पे है 12वां भारतीय अंगदान दिवस 27 नवंबर 2021, विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर 2021, वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर 2021, विश्व प्रदर्शन दिवस 18 नवंबर 2021, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर 2021, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर 2021। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है लोक सेवा प्रशासन दिवस 12 नवंबर 2021, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर 2021, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2021, 26 नवंबर 2021 राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 26 नवंबर 2021 संविधान दिवस, 11 नवंबर 2021 राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 9 नवंबर 2021 राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, फिर 31 अक्टूबर 2021 की बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस, 23 अक्टूबर 2021 अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, 15 अक्टूबर 2021 अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, 13 अक्टूबर 2021 अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, 10 अक्टूबर 2021 विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, फिर विश्व डाक दिवस होता है 9 अक्टूबर को, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, फिर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। उसके बाद गई प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त, फिर विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त, विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, फिर है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई, फिर आपका है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई, मलाला दिवस 12 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस 10 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस
30 जून और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून, फिर है विश्व दुग्ध दिवस 1 जून और वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून, अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई और विश्व थायराइड दिवस 25 मई, फिर विश्व कछुआ दिवस 23 मई, फिर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है पुस्तकों की बात कर लेते हैं कि पुस्तक और उनके उनके जो ऑथर हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI, तो ये लिखी है विनोद राय ने। लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस इंडिया, तो रशीद किदवई। फिर है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, तो ये है अविनाश मोहापात्रा। फिर है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट, तो फिर राजेश तलवार। फिर है हियर योर सेल्फ, तो प्रेम रावत। फिर है द यंगर वाइफ, तो इसमें लिखा है सैली हेपबर्न ने लिखी है। द चिल्ड्रन ऑन द हिल जेनिफर मैकमोहन ने लिखी है। सच बिग ड्रीम्स रीमा पटेल। दैट मेनफिस, तो ये है तारा एम स्ट्रिंग फेलो। तो वन हैड टू होल्ड वन हैंड टू कर्व, तो ये लिखी है एम शॉ ने। इसमें लिखा है द रिटर्न ऑफ फराज अली, आमिना अहमद द्वारा लिखी गई है। फिर द ट्रेवोन जनरेशन, तो एलिजाबेथ एलेक्जेंडर द्वारा लिखी गई है। फिर है फाइंडिंग मी, ये लिखी गई है वी ओला डेविस के द्वारा। फिर है पोर्ट्रेट ऑफ ए थीफ, ये ग्रेस डी ली के द्वारा लिखी गई है। इसमें लिखा है पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड, तो ये लिखी गई है एबी जिमेनेस के द्वारा। फिर है डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम, ये अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई। क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी के द्वारा। फिर लिखा है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, डॉक्टर श्री राम चौलिया द्वारा लिखी गई है। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, तो ये ऋचा मिश्रा द्वारा लिखी गई है। द क्रॉसिंग मंजीत मान के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें लिखा है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड OT, तो डॉक्टर तेज मटन एराज उदवाड़िया के द्वारा। फिर राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ गीता पिरामल के द्वारा लिखी गई है। फिर है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखी गई है। टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री के द्वारा। फिर है द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल अमिताभ कुमार के द्वारा। अ बर्निंग मेघा मजूमदार के द्वारा। तो द आर्ट ऑफ वॉर सुन तजू के द्वारा लिखी गई है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI विनोद राय। ऑल माई रेज सबा ताहिर। टाइम इज ए मदर ओशियन वोंग। फिर है किनसुगी अनुकृति उपाध्याय के द्वारा। अमृता शेरगिल रिबेल विद ए पेंट ब्रश अनीता वच्छर जानी के द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट टैग गेम अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तो ये लिखे उमा दास गुप्ता के द्वारा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस, तो ये लिखी है प्रियम गांधी मोदी। नेक्स्ट आपका डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, तो ये रो खन्ना के द्वारा में। फिर हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक,
ये बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। फिर है अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष के द्वारा। फिर अर्थ द ओरिजिन, ये अर्थ ये लिखी गई है रमेश एमिल मनी के द्वारा। फिर है गोल्डन गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये लिखी गई है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। तो यहाँ लिखा है इंडिया दैट इज भारत कोलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है जे साई दीपक के द्वारा। ऑपरेशन खात्मा अश्विनी भटनागर एवं आरसी गंजू के द्वारा। फिर है फियरलेस गवर्नेंस तो डॉक्टर किरण बेदी। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। द हंड्रेड ट्रिलियन ड्रीम तो सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 संजू वर्मा के द्वारा। द कश्मीर कॉन्ड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड तो जनरल निर्मल चंद्र विजय के द्वारा। द मोंक हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। राज कपूर द मास्टर एट वर्क राहुल रवेल। वे है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री डॉक्टर शशि थरूर। वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट तो ये है मृदुला रमेश। फिर इसमें लिखा है एट होम इन द यूनिवर्स बाला कृष्ण मधुर। फिर द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म तो गौतम चिंतामणि। पब्लिक सर्विस इथिक्स ए क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत प्रभाव कुमार। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरी तो ये हो गई रचना विश्व रावत। फिर है नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म तो दिन यार पटेल। तो इंडियाज वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन तो सैयद अकबरुद्दीन। फिर है हेल ऑफ द बुक जेसन मोट लाल सलाम ए नोवेल स्मृति जुबिन ईरानी। द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शॉक इंडिया तो देवाशीष मुखर्जी। दिल्ली अ सोलिलोकी तो एम मुकुंदन नेहरू। द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया तो त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन। फिर है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम सलमान खुर्शीद। द सेज विद हु हार्ड अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी तो सुधा मूर्ति। वीर सार तो गाइस ये आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि जो इंग्लिश हिंदी में लिखी होती है उसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है तो गाइस ये मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ, आप इसे धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। ठीक है अगर ये इंग्लिश में लिखा होता तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती, इंग्लिश को हिंदी में लिख दो तो अलग ही वर्ड्स नज़र आते हैं सब। तो वैसे एक बार आप इसे खुद से एक बार पढ़ लीजिए, देखिए ऑलमोस्ट मैंने पढ़ लिया लेकिन मैं प्रोनाउंस सही से शायद नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं सही से पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है तो दोस्तों ये आप लोग मेरी तरफ से सॉरी, और ये आप लोग क्या है खुद से एक बार देख लीजिए। देखिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे विविध की, तो इसमें लिखा है भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। ठीक है पर्यटक ट्रेन तो भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन परिचालित की जाएगी 21 जून 2022 से। तो ये ट्रेन स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट मार्ग में भगवान श्री राम से जुड़े प्रमुख स्थानों पर जाएगी जिसमें जनकपुर नेपाल भी शामिल है। तो इसमें बात करेंगे एरोपोनिक
विधि। तो विषाणु रोग रहित आलू बीज के उत्पादन हेतु एरोपोनिक विधि का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और मध्य प्रदेश सरकार के साथ अनुबंध हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अनुबंध के तहत ग्वालियर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की पहलो और एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब स्थापित की जाएगी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा हवा में आलू के बीज उत्पादन की अनूठी तकनीक विकसित की गई है। फिर बात करेंगे भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैद्यशाला। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित मतलब अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग ओडिशा सरकार द्वारा इसकी स्थापना हेतु क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। देन पूर्वोत्तर में NIELIT केंद्र का उद्घाटन। तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा पूर्वोत्तर के शिक्षित युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने हेतु 5 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये 5 केंद्र डिब्रूगढ़, दीमापुर, जोरहाट, पासीघाट और सेनापति में स्थापित है। फिर राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण फ्रेमवर्क। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत शहरों को पूर्णतः कचरा मुक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। फिर इसमें बात करेंगे तो गाइस जैसे कि अब मैं बता रही हूँ, तो अब ये चीज़ इंग्लिश में लिखी तो इसे पढ़ना बहुत आसान है। जैसे लाइक नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़, तो इसको पढ़ना आसान है। लेकिन हिंदी में इसको आप लिख देंगे तो उसको पढ़ना शायद मुश्किल है या मेल में मुश्किल होता है, इसलिए मैंने वो सब स्किप कर दिया आगे, ठीक है, पीछे जो अभी गया है। तो इसमें लिखा है अकाउंट एग्रीगेट इको सिस्टम, ठीक है। तो इसमें लिखा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन इस इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बना। अब यहाँ बात करेंगे 8 न्यू यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। तो यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड द्वारा मंजूरी। फिर इसमें लिखा है इस मंजूरी से 46 देशों में ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में भागीदार साइट्स की संख्या कितनी हो गई, 177। और इस वर्ष 2 नए देश, एक हो गया आपका लग्जमबर्ग, दूसरा हो गया स्वीडन, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुआ है, जिसमें इस नेटवर्क से जुड़ने वाले देशों की संख्या कितनी, 46 हो गई, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे एंटरप्राइज इंडिया की। तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा इस पहल यानी कि मेगा इवेंट का उद्घाटन किया गया। और ये पहल उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और पूरे देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं तथा पहल के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित विभिन्न उद्यमिता कार्यक्रमों और गतिविधियों का एक श्रृंखला है। इसका समापन 27 मई 2022 को हो गया। अब इसमें लिखा है डिजिटल इंडिया RISCV, तो इसमें लिखा है DIRV कार्यक्रम। तो इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को क्या है शुरू करने की घोषणा की गई 27 अप्रैल 2022 को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है इसका उद्देश्य क्या है, आने वाले समय में भारत में माइक्रो प्रोसेसर की निर्माण क्षमता हासिल करना और दिसंबर 2023 तक उद्योग ग्रेड सिलिकॉन और उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन समझौते को हासिल करना। अब लिखा है योग प्रभा, तो इसमें नागर विमानन मंत्रालय नई दिल्ली स्थित सफदरजंग हवाई अड्डे पर यह जो है बड़ा योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। फिर आपका है फिंक्लूवेशन, तो इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर यह जो है पहल लॉन्च की गई। फिर बात करेंगे IDEX प्राइम और क्या है DISC 6, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्राइम और छठे डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC 6 का जो है शुभारंभ। फिर लिखा है स्पेस टेक फ्रेमवर्क, तो तेलंगाना सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इस फ्रेमवर्क का जो लक्ष्य है वो है राज्य को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। ये मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी स्पेस पर आयोजित होने वाला
पहला आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम है। अब लिखा है विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण। तो यहाँ लिखा है सीमा सड़क संगठन द्वारा शिंकुला दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर इस सुरंग का निर्माण किया जाएगा और इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन प्रोजेक्ट योजना के तहत करेगा और यह सुरंग जो है लद्दाख की जांस्कर घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित क्रेडिट कार्ड, तो यह है नेस्को द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने हेतु क्या है नेस्को ने मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। फिर इसमें लिखा है क्रॉप एंड CROP and PQMS पोर्टल। तो इसमें लिखा है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित काम काज को और अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु ये दो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। पोर्टल CROP क्रॉप का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ क्या है पेस्टिसाइड्स। तो यह पोर्टल PQMS का फुल फॉर्म क्या है, प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है 40वां हुनर हाट, तो यह मुंबई में आयोजित हुआ, कब हुआ, 16 से 27 अप्रैल 2022। अब लिखा है वन वेब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता, LEO लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, उपग्रह संचार कंपनी वन वेब द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ जो है समझौता करने की घोषणा की गई। फिर इसमें बात करेंगे मिशन कर्म योगी के लिए परियोजना को मंजूरी, तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा भारत सरकार के मिशन कर्म योगी सिविल सेवा समता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने हेतु $47 मिलियन की एक क्या है परियोजना को मंजूरी मिली है। अब लिखा है बना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन राष्ट्र को जो है समर्पित किया गया, तो ये देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूर्णता क्या है पशुपालकों को समर्पित है। चलिए, अब इसमें लिखा है एल रूट सर्वर इंस्टॉल करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। ठीक है, तो इस नए स्थापित किए गए रूट सर्वर के साथ डोमेन नेम सिस्टम के लिए अब राज्य को किसी रूट सर्वर पर जो है निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत में निर्मित पहला डॉर्नियर DO-228 विमान, तो इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा पूर्वोत्तर भारत में हवाई अड्डों और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को जोड़ने की योजना के तहत इस विमान को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो ये विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जो है बनाया गया। फिर उत्सव पोर्टल, तो केंद्रीय मंत्री जी किरण रेड्डी द्वारा अमृत समागम सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर नई दिल्ली में इस पोर्टल का शुभारंभ हुआ। इस पोर्टल के माध्यम से कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली, तो इस पोर्टल के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने हेतु भारत के सभी कार्यक्रम त्यौहार और लाइव दर्शन को प्रदर्शित किया जाएगा। अब लिखा है इंस्पेक्ट IR COVID-19 ब्रीथ लाइजर, तो अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा श्वास के माध्यम से COVID-19 का पता लगाने वाले विश्व के इस पहले उपकरण के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी। तो भारत में अत्यधिक गरीबी में कमी, विश्व बैंक द्वारा पॉवर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइन ओवर अ लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट, इस शीर्षक के शोध पत्र प्रकाशित किया गया। तो इसके अनुसार भारत में वर्ष 2011 की तुलना में 2019 में अत्यधिक गरीबी में 12.3% की कमी हुई है। गरीबों की संख्या वर्ष 2011 के 22.5% से घटकर जो है 2019 में 10.2% हो गई है। तो वर्ष 2011 से 19 के दौरान शहरी क्षेत्र में 7.9% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में 14.7% की कमी दर्ज की गई। इसमें लिखा है कृपाण शक्ति अभ्यास, तो भारतीय सेना की ती शक्ति कोर द्वारा वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ। इसमें लिखा है तूफान मैगी,
तो इस उष्णकटिबंधीय तूफान से फिलीपींस सर्वाधिक प्रभावित हुआ, अप्रैल 2022 की बात है। फिर लिखा है रेडियो अक्ष, दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ। फिर इसमें लिखा है आयरन बीम, तो इसराइल द्वारा अपनी तरह की पहली इस नई लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण। फिर है कदम, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास की बात हो रही है कि शोधकर्ताओं द्वारा भारत के पहले स्वदेशी विकसित क्या पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण। ठीक है, तो इसमें कदम और पॉलीसेंट्रिक घुटना है जो घुटने के कृत्रिम अंग के लिए सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से बनाया गया है। फिर है शुभंकर प्रकृति, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु शुभंकर प्रकृति का अनावरण, इसके साथ ही प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हरित पहल का जो है आपका क्या हरित पहल का शुभारंभ। फिर है मानव तस्कर रोधी प्रकोष्ठ, तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस प्रकोष्ठ का शुभारंभ, ये मानव तस्करी से बचाए गए लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण में भी मदद करेगा। फिर है कोंकण रेलवे, तो इस रेलवे ने अपने पूरे खंड का 100% रेल विद्युतीकरण का काम पूरा किया। फिर लिखा है RAMP या रैम्प, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की रैम्प यानी कि रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना हेतु $808 मिलियन की मंजूरी। तो विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, तो विश्व बैंक द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने हेतु इस बॉन्ड का के मूल्य का निर्धारण किया गया, तो इस बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। फिर इसमें लिखा है मार्च 2022 तक खुले में शौच से मुक्त ODF+ गांव, तो देश भर में 50,000 से अधिक गांवों द्वारा जो है स्वयं को ODF+ गांव घोषित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जो है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन है, तेलंगाना 13,960 ODF+ गांव के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद है तमिलनाडु, देन थर्ड नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बन तटस्थ कृषि प्रथा, तो केरल शीघ्र ही राज्य में चयनित स्थानों में इसे लागू करेगा। फिर केरल इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। फिर है टोयोटा मिराई, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई लॉन्च की जाएगी, और ये क्या है भारत में अपनी तरह लॉन्च हुई है इसमें 16 मार्च 2022, तो ये भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, तो भारतीय IISc मतलब भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में लॉन्च। फिर इसमें भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक क्या है, एक्वेरियम, तो इसमें लिखा है कि बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से ये पहल जो है बेंगलुरु में लॉन्च की गई। तो भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, तो इस टर्मिनल की पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में शुरुआत, MV राम प्रसाद बिस्मिल, तो यह है पोज। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के रास्ते जो है हल्दिया से माल लादने के बाद गुवाहाटी असम में स्थित पांडु बंदरगाह पहुंचा, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला यह अब तक का सबसे लंबा पोत है 90 मीटर का। फिर इसमें लिखा है ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच, तो दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में स्थित लिंगमपल्ली विकाराबाद खंड पर गुल्ला गुड्डा चिट गिड्डा रेलवे स्टेशन के मध्य इस प्रणाली का सफल परीक्षण। फिर इसमें लिखा है सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन, तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली शीघ्र ही पहली एयरलाइन बन जाएगी, मतलब 1 मार्च 2022 की बात है। और इसमें लिखा है
लेवेंडर तो जम्मू कश्मीर के टोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित। तो टोडा भारत की बैंगनी क्रांति यानी कि अरोमा मिशन का जन्म स्थान है। सौवा हर घर जल जिला, तो लिखा है चंबा हिमाचल प्रदेश देश का सौवा हर घर जल जिला बना, साथ ही चंबा हर घर जल बनाने वाला पांचवा अक्षांशीय जिला भी है। फिर लिखा है विश्व की पौधे से निर्मित पहली कोविड-19 वैक्सीन, तो कनाडा सरकार द्वारा इस वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी। इस वैक्सीन का नाम क्या है आपका गाइस? कोविफेंस। तो यहाँ लिखा है नई हरित हाइड्रोजन नीति का अनावरण, तो केंद्र सरकार द्वारा जो है इसका अनावरण हुआ कब? 17 फरवरी 2022। तो इस नीति के तहत हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादों को 25 वर्ष की अवधि हेतु अंतरराज्यीय पारेषक शुल्क से छूट होगी। देन आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है बाबुश्का बटालियन, तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये बटालियन चर्चा में है। तनाव के दौरान इस बटालियन की सदस्य वैलेंटाइना कॉम्स्टेनोवस्का उम्र 79 वर्ष युद्ध में लड़ने के लिए हथियार उठाया। ये बटालियन वर्ष 2014 से सक्रिय है, इसमें वृद्ध महिला शामिल है। तो इसमें लिखा है ऑपरेशन गंगा, तो यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया, ठीक है, फरवरी 2022। फिर यहां लिखा है NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर है सौवा टेक्सटाइल एक्सप्रेस, पश्चिमी रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन द्वारा चलथान सूरत क्षेत्र से संकरेल खड़गपुर डिवीजन SIR तक परिचालित। तो 11 सितंबर 2021 को केंद्रीय रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दशना जरदोश ने उधना से पहली टेक्सटाइल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। फिर इसमें लिखा है कि ONORC योजना लागू करता 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो छत्तीसगढ़। एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है। मध्य प्रदेश में 3 शहरों का नाम परिवर्तन, तो केंद्र सरकार द्वारा 3 शहरों होशंगाबाद शिवपुरी और बाबई का नाम परिवर्तन करने हेतु मंजूरी। तो होशंगाबाद का नाम अब क्या होगा? नर्मदापुरम। शिवपुरी कुंडेश्वर धाम। फिर है बाबई का नाम होगा माखन नगर। फिर लिखा है कि भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक, तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा वर्चुअल माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए जारी। तो सूचकांक में जम्मू जिला स्कोर देख सकते हैं 5.740 है, शीर्ष पर है, जबकि डोडा जिला जो है आपका सेकंड नंबर पे, सांबा जिला थर्ड नंबर पे है, पुलवामा जो है आपका फोर्थ नंबर पे है। फिर राजौरी जिला इस सूचकांक में अंतिम यानी कि 20वें स्थान पर है। फिर इसमें लिखा है भारत का पहला इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा माधव बाग वैद्य साने आयुर्वेद लैब्स लिमिटेड के पावर MAP का उद्घाटन। लिखा वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम, तो आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित कोविड-19 प्रशिक्षण किट क्या ओमिश्योर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा स्वदेश निर्मित इस कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी। फिर है लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। ये परियोजना उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर निर्मित की गई और इसमें क्या है 300 मेगावाट जल विद्युत जो है उत्पादन होगा इससे, ठीक है। फिर है संकल्प स्मारक, तो है अंडमान और निकोबार में स्थित ये स्मारक अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह
द्वारा राष्ट्र को समर्पित, और यह स्मारक जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत आगमन की महत्वपूर्ण घटना के ठीक 78 वर्ष बाद जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया। उत्तर प्रदेश में 5वें एसटीपीआई का उद्घाटन तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का जो है उद्घाटन किया गया। ये उत्तर प्रदेश में स्थापित 5वां एसटीपीआई केंद्र है। इससे पहले लखनऊ है, नोएडा, कानपुर, प्रयागराज में जो है आपका एसटीपीआई केंद्र संचालित है। एसटीपीआई मेरठ भारत में स्थापित एसटीपीआई का जो है 62वां जो है केंद्र है। अब इसमें लिखा है भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ITS। तो इसमें लिखा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा डासना गाजियाबाद में 6 लेन ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर जो है यह सिस्टम लॉन्च किया गया। फिर इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स, तो उत्तर प्रदेश के नए शहरों में कई शहरों में इसका उद्घाटन हुआ है, तो 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, आगरा में शुरू किए गए हैं। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंज की संख्या 8 हो गई है, ठीक है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में मात्र एक इंटरनेट एक्सचेंज नोड जो है नोएडा में संचालित था। फिर बात करेंगे हम ABU रोबोकॉन 2022 की बात, तो इसका आयोजन जो है त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ है, और 21 अगस्त 2022 को दूरदर्शन रोबोकॉन 2022 के अंतर्राष्ट्रीय फाइनल में मेजबानी करेगा। अब इसमें लिखा है कि तमिलनाडु का राज्यगीत, तो तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिल थाई वजतु राज्यगीत घोषित हुआ है दिसंबर 2021, तो यह गीत मनोनम नियम सुंदर नाथ पिचई द्वारा लिखित है। फिर इसमें लिखा भारत की पहली साइबर तहसील, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में साइबर तहसील बनाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। चलिए अच्छा इसके आगे है गाइस बहुत सारा, तो साइबर तहसील बनने के बाद मध्य प्रदेश साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। फिर इसमें बात करेंगे NFT वर्ड ऑफ इंडिया 2021, तो इसमें लिखा है कोलिंस डिक्शनरी द्वारा इसे घोषित किया गया, मतलब डिक्शनरी द्वारा घोषित किया। फिर है NFT अपूर्णीय टोकन का संक्षिप्त रूप है, और मतलब नॉन फंजिबल टोकन। फिर इसमें लगा NFT एक तरह की डिजिटल संपत्ति या डेटा होता है जो ब्लॉकचेन सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए इस लैब का शुभारंभ। वे है पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर में स्थित इस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर जनतातीय गौरव टंट्या भील के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। तो विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना, तो एल सेल्वाडोर के राष्ट्रीय नायक बुकेले द्वारा इस योजना के संबंध में घोषणा। भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी, तो दिल्ली हाट INA दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव मेगा राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में लॉन्च। फिर अरुणाचल प्रदेश ऐसा पहला भारतीय राज्य है जिसने ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत कीवी फल का जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। फिर मैं केसरे हिंद, तो अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसे राज्य तितली के रूप में घोषित। केसरे हिंद का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टाइनोपाल्पस इम्पेरियलिस, ठीक है। अब बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2021 की, तो गृह मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया है। इस वर्ष जारी सूची में दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा प्रदान किया गया है, और राज्य के आधार पर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर का क्या है मिरसौलिया पुलिस स्टेशन राज्य में शीर्ष स्थान पर है। तो यह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, तो लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में पुनर्विकसित यह रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित है। पूर्व में इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था, हबीबगंज रेलवे स्टेशन था।
तो गाइस नेक्स्ट यहाँ है विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क, सौर ऊर्जा पार्क। तो राजस्थान के भादला में यह सौर ऊर्जा पार्क स्थापित है। यह जो है 14,000 एकड़ क्षेत्र में विस्थापित है और इस पार्क में जो है 10 मिलियन से अधिक सौर पैनल लगे हैं। फिर लिखा है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021। तो वाणिज्य एवं क्या है उद्योग मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी। तो गाइस देखिए ये वाला जो हमारा पार्ट था संक्षिप्तियाँ वो हो गया ख़त्म। जो नेक्स्ट हम करेंगे वो करेंगे खेल परिदृश्य। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड जो है आपको चैनल या वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं ना फिर इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में जो कि है खेल परिदृश्य और ये हमारा जो होगा सबसे लास्ट का पार्ट है। ठीक है चलिए वीडियो को एंड करते हैं।